सिग्नल हुआ हुआ है, लेकिन सिग्नल अभी तो ग्राइड ही लग रहा है मुझे सामने। क्या हो रहा है? अरे अरे तू वो तो ड्राइविंग कर रही। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ यार, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे एक राज है। वो राज क्या है? वो ये है, आप ये देखो ये क्या हो रहा है? अरे अरे तू वो तो ड्राइविंग कर रही है। भाई आप कैसे ड्राइविंग सीट पे बैठ गई? यार बस मैं कोशिश कर रही हूँ। है तो ये अचानक से सरप्राइज? मैं भी सरप्राइज की क्या बात है भाई, कोशिश करने के हर चीज। लेकिन ये तो व्यूअर्स को सरप्राइज मिल गया ना हमारे। असल में इल्सा आपकी गोद में रहती थी ना, तो मजे से और तूबा ड्राइविंग कर रही है यहाँ पे। आज उल्टा हो गया सीन, लेकिन हम तूबा को ड्राइविंग करवा के ट्रेन कर रहे हैं आज, क्योंकि तूबा जाएंगी और रोजाना अब तूबा की जिम्मेदारी है भाई बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना। तूबा का नया काम हो गया अभी ये, तो ये काम अब जो ना ज्यादातर, और दूसरे घर में हजार काम भी होते हैं यार, घर में आप दो गाड़ियां होनी चाहिए, और घर में ये है कि तूबा को भी गाड़ी लेके निकलना चाहिए, जहां मैं नहीं जा सकता वहां तूबा चली जाए, डिवाइड होने चाहिए ना काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए भाई क्यों, क्या ख्याल है भाई तुम्हारा? सही, अच्छा आइडिया था ना हमारा ये कि हमें, जाहिर सी बात है यार दोनों को ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग तो भाई घर में वैसे मेरे हिसाब से सबको आनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, वर्क होता है ना वो कंट्रीब्यूट हो जाता है, एक अकेले पे ना बर्डन नहीं पड़ता, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी तो भाई ये होता था कि फिर हर जगह जाना है तो फिर मुझे भागना पड़ता था, बच्चों को भी लेके आना है तो फिर तुबा को भी लेके आना है, मसला होता था ना शॉपिंग के लिए, फिर नबील को बोलो फिर सारे बच्चों को एक साथ लेके जाओ शॉपिंग पे, फिर ये मसला हो जाता था। हाँ, अभी देखो कितना फायदा हो गया, अभी तुबा का ड्राइविंग करने आती है इसको, तो अकेली भी शॉपिंग के लिए जा सकती है और घर पे मैं सुकून से आराम कर सकता हूँ, या मैं अगर कहीं और जा रहा हूँ तो तुबा कहीं और निकल गई, गाड़ी अपनी मर्जी से उठाई और जहाँ जाना है चली गई, शॉपिंग भी कर ली और कोई और काम है वो भी निपटा लिया, हमारा कंट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी पे भी एक बंदे पे भी लोड नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है ना भाई? हाँ, ऐसे ही। तो भाई बहुत जिंदगी में सुकून हो गया, बहुत ज्यादा जो है नबील के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका था। ये देखो सामने ड्राइविंग करने में लगी हुई कितनी मजे से, माशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, और टाइट ड्राइविंग कर रही है फुल, माशाल्लाह लुकिंग लाइक अ वाओ। सो भाई सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इशाल आप कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ बाबा को ये सहूलत हो गई है, बाबा यही कह रहे थे कब से कि इन्होंने अब ड्राइविंग सीख लेना, अब मम्मा ही चलाएंगी पूरे दिन का, अब मम्मा ही चलाएंगी कार जहाँ भी हमें जाना होगा। बाबा को नहीं चलानी पड़ेगी भाई, बिल्कुल यही बात है, और मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है खास से मोबाइल पकड़ने में, क्योंकि ये देखो इल्सा मैडम हमारी सोने में लगी हुई है और इल्सा की नींद खराब हो रही है, तो इसलिए हमारा हाथ जो ना बिल्कुल अजीब सा मूवमेंट कर रहा है अभी, लेकिन भाई हमें बहुत खुशी है, देखो कितना ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक में इस वक्त तूबा ड्राइविंग कर रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह भाई नजर मत लगा रहा। नबील मुझे चलाने नहीं देंगे अगली बार? नहीं 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 यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छी बात है भाई, चलानी चाहिए, स्पीड में चला रही है भाई, सेकंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर सारे गियर में चला रही है तूबा तो, और लुकिंग लाइक अ वाओ, फुल प्रो, प्रो सीन है प्रो। मैं कुछ भी नहीं कर रही, आप मुझे क्यों डरा रहे हो यार, बदतमीज करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो यार, ये देखो मुझे ट्रैफिक में कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल डैमेज, ट्रैफिक 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 और ट्रैफिक, और गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ओए क्या कर, आप जितने कंफ्यूज कर रहे हैं मैं नहीं होने वाली भाई। ये तो देखो अब ये टेस्टिंग है ना ड्राइवर की, ड्राइवर की हम इस वक्त टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं यहाँ पर, और ड्राइवर का हम कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या ख्याल है भाई? बाबा मम्मा का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं ना बाबा? भाई ये तो बिल्कुल करना पड़ता है ना, क्यों? लेकिन सिग्नल अभी तो ग्राइड ही लग रहा है मुझे सामने। हाँ, अभी और लोग निकल निकल के भाग रहे हैं, तो कितने जाहिल आवाम है हमारी, तो देखो सामने निकल निकल के भागने में लगी हुई फुल, और ट्रैफिक सिग्नल अभी रेड हुआ है सामने। हाँ। तुम्हें रेड सिग्नल पे रेड जब होता है जब चलाते हैं? नहीं, अगर ट्रैफिक नहीं होता तो चला लेते, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया,
भागो 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 भागो, चलो 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 तुबा को हम फुल कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और तुबा फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रही है आज, और तुबा कंफ्यूज होने में लगी हुई, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो पाएगी और निकाल लेगी गाड़ी। वाह यार वाह भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। मुंह से तो कुछ बोलो, मुंह से तो ड्राइव नहीं कर रही है भाई, मुझे डर लग रहा है। जाहिर सी बात है, मेरा फर्स्ट टाइमिंग में। हम फर्स्ट लेन में नहीं चलाते ना, ताकि हम थोड़ी स्लो चला रहे हैं, सेकंड में चलाएंगे। भाई आप लोगों के लिए भी ड्राइविंग टिप्स है ये, कि जो जो नया ड्राइवर है ना, तो वो सेकंड या थर्ड लेन में चलाए हमेशा गाड़ी, फास्ट लेन में कभी भी ना चलाए। मतलब आपको मैं सिखा, फास्ट लेन में या फर्स्ट लेन जो भी आप लोग कहें, फास्ट लेन में आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो वो प्रो के लिए होती है हमेशा। जिनको ड्राइविंग करते हुए टाइम हो गया, साल दो साल हो जाते हैं, तो वो फास्ट लेन में चलाएं बिल्कुल गाड़ी, क्योंकि फास्ट लेन में अक्सर जो ना लोगों को भागने की लगती है, पीछे से जल्दी जल्दी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जो नया ड्राइवर होता है वो हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप लोगों को हमेशा, जो भी नया ड्राइवर है, ड्राइविंग सीख रहे हैं आप लोग, या अभी भी नई ड्राइविंग स्टार्ट की आप लोगों ने, तो हमेशा सेकंड लेन में या थर्ड लेन में गाड़ी चलाएं, ताकि आप लोगों को पीछे से कोई भी हॉर्न ना दे, या पीछे से कोई डिपर ना मारे आके, और कोई भी तंग ना करे आप लोगों को, और आप लोग सुकून से ड्राइव कर सकें। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना तुम्हें? क्योंकि पीछे से ना लाइटें मारते हैं लोग, अगर स्लो चलाओ तो लाइटें मारते हैं और हॉर्न भी मारते हैं। फुल ट्रैफिक होने में लगा हुआ है वीकेंड में, आप लोगों को पता है कि कराची में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है हर जगह भाई, तो ये सिचुएशन है। लेकिन भाई मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे को ड्राइविंग आ गई है, बहुत सुकून हो जाएगा अब जिंदगी में। वर्किंग डे में तो स्कूल के लिए रश होता है, और किसी के लिए रश नहीं होता भाई, यही तो मेन खास बात है। वर्किंग डे में स्कूल के लिए, स्कूल जाना आना, बच्चों के साथ में तुम्हारे को पिक एंड ड्रॉप करना, फिर ये सारे काम, फिर शॉपिंग वॉपिंग करना, हर जगह रश होता है। मार्केट्स में तो आप लोगों को पता है कितना रश होता है। तो वर्किंग डे में स्कूल के लिए रश होता है, और वीकेंड पे होता है शॉपिंग के लिए। वेरी गुड बेटा, तब तो सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाइयों आज का सीन ये है कि आज जो ना हम लोग गाड़ी का ही व्लॉग है बेसिकली, क्योंकि इल्सा आपको ही लेना है। इल्सा ये कहना चाह रही है कि देखो मैं गाड़ी पे कितना कबाड़ा मचा रही हूँ और गाड़ी की सफाई कर रही हूँ, पर मसला ये कि आज है सुबह की ड्राइविंग टेस्ट, सुबह फर्स्ट टाइम जो ड्राइव कर रही है, तो सुबह का टेस्टिंग चल रही है, तो इसलिए आज हमने प्रॉपर गाड़ी का ही व्लॉग रखा है। लेकिन तुबा हमें ट्रीट भी देगी, है ना भाई तुबा? क्या मसला है इल्सा, क्यों आप इतना चिल्ला रही हैं सबके सामने? क्या मसला है, क्या बात है, क्या बात है? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ क्या भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं निम्रा मुदस्सर को पिक करने के लिए घर से, उनको घर से उठाएंगे और फिर कहीं जाएंगे खाना वाना खाने और खाना फोड़ेंगे, है ना तुबा? फिर क्या खिला रही हो, ट्रीट तुबा की है भाई आज यार। भाई मेरा तो मंदी का दिल चाह रहा था, लेकिन तुबा बोल रही थी हॉट पॉट खाऊंगी, हॉट पॉट खाऊंगी। भाई हर दिन तो हॉट पॉट नहीं खा सकते ना। चल चूटा, सबसे पहले जाके उन लोगों को पिक करते हैं, फिर उन लोगों से साथ मिलके हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, क्या खाना है, खपो करेंगे, खपो खपो रास्ता बता, रास्ता बता तो यार, इसको रास्ता नहीं पता, रास्ते नहीं पता यार, जल्दी बताओ कहाँ जाना, सीधा भाई सीधा सीधा ले लो, सीधा। ओके ओके। हाय यार भाई, आज तो व्लॉग ना मैं नहीं बना पाई, क्योंकि जो है मैं ड्राइविंग कर रही थी एक्चुअल में मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो जो है मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और अभी हम लोग आए निम्रा को पिक करने के लिए, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और निम्रा आती हैं तो फिर निम्रा को भी अपनी ड्राइविंग दिखाएंगे हम। भाई जल्दी, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर खड़े हैं। व्हाट हैपेंड से हाय हाय निम्रा मुदस्सर का वेट हो रहा है भाई, मुदस्सर जैसी अपना वैसी चलते करके। नवील को देखो कितनी खुशी हो रही है, नवील खुशी हो रही है, सच बता दो या दुख हो रहा है आपको? नहीं मुझे तो नींद आ रही है, सुकून से बैठ गया। नवील को मेरी ड्राइविंग में नींद आने लग गई है। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा था कि मैं सुकून से, असल में शुरू में मैं अपने पर्सनली ये थॉट रखती हूँ कि शुरू में जब आप ड्राइव करते हो, खासतौर पर जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको स्लो ड्राइव करनी चाहिए। हाँ खाली रोड हो तो आप चलाओ, लेकिन स्लो ड्राइव, इसलिए स्लो ड्राइव में ना आप सेफ रहते हो। वेरी गुड बेटा, तब तक तुम सेफ हो, शाबाश शाबाश। भाई निम्रा मुदस्सर आ चुके हैं, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, मैं ये देखे। जी बोले से हाय। चलो जाना कहाँ है? नहीं ना नहीं किया, नहीं करा। मैं सोचा गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठ के उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई तूबा कर रही है ड्राइविंग, निम्रा मुदस्सर को पिक कर लिया था हम लोगों ने, निम्रा मुदस्सर दिल पकड़ के बैठे, नहीं तो बता दो।
क्या हो गया? दिल पकड़ के बैठे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल प्रो वाली गाड़ी चला रही है ना अभी तो फिलहाल। चुप कर। अभी तो फिलहाल का क्या मकसद है? अभी तो अच्छी गाड़ी चला रही है हमारे सामने, तो कोई मिस्टेक नहीं करी अब तक। क्या ट्रीट क्या दे रही हो तुम? मैं ट्रीट नहीं दे रही। अच्छा भाई, नहीं दे रही ट्रीट, नहीं दे रही भाई। बहुत महंगी जगह तू बोले। बताओ कहाँ जा रहे? सीधा भाई, सीधा सीधा जाओ अभी तो। हम लोग जा रहे हैं मीट द चीज भाई, मीट द चीज जा रहे हैं और वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। A few moments later. अच्छा भाई, नबील जो है मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए हैं कि हम लोग पहले डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे। अब नबील के पैसे ना मुझे देने पड़ेंगे, मैं दूंगी ट्रीट। तो ये है कि अभी मुझे ड्राइविंग आई है तो उस ट्रीट भी तो देनी पड़ती है ना। देख लिया, अभी हम लोग जो है मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखते मेन्यू में क्या हम लोग खाते हैं। अच्छा भाई, स्टार्टर तो आ चुका है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टर से। नबील, इनका फोक तो देखो कितना भारी है, मुझे तो उठाया भी नहीं जा रहा फोक। किसी के सर पे पड़े तो सही मिल जाएगा उसका। ये देखो भाई, बहुत ज्यादा भारी फोक है ये। अभी मैं खिलाऊंगी अपने हस्बैंड को। वेरी गुड, यम्मी। चीज बढ़िया है। और ये देखें, हुसैन को इतना गुस्सा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मुझे नहीं खिला रहे, बाबा को खिला रहे हैं। हुसैन की टर्न है। तो आ चुका है डिनर स्टार्ट करना। ये देखिए, ये आ चुका है पिज्जा। लुक्स डिलीशियस। मेरा स्टेक फुल टेंडर लाइन कट है हमारा, बहुत मजे का। और अभी से मुझे जूसीनेस नजर आ रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। वेरी गुड, इट्स वेरी, इट्स गोना बी वेरी डिलीशियस। ये देखो भाई, ये नबी खा रहे जूसी स्टेक। चीज बढ़िया है यार। तो खाना शाना चल रहा है यार, निब्रा मुदस्सिर का भी खाना चल रहा है। ये कैसा खाना है भाई? यमी यमी। अमल को देखिए, अमल को हम खाने में लगे हैं। अमल, अमल से हाय, अमल से हाय। यू पापा एंड लेवल है, लेवल। वन आवर लेटर। घर तो हम लोग आ चुके हैं, खूब हमने जो है डिनर वगैरह कर लिया है। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा ड्राइव करा है। आज रात से मैं ड्राइव ही ड्राइव कर रही थी। अभी नबील से पूछते हैं एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस भाई, मुझे तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था शुरू है, ऐसी पता है अभी स्टार्टिंग है। डर नहीं लग रहा होता है, ट्रैफिक जब आपके बराबर में से गुजरता है ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान से और देख के चलानी पड़ती है, वरना डर तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फिडेंस तो बहुत है मुझ में। हाँ भाई नबील, बताओ कैसी ड्राइव करी? भाई ड्राइविंग तो बहुत अच्छी करी है, नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग करी है। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुकी है तुबा। तो अब से तो ये अकेली ले लेके निकलेगी गाड़ी। और मैं तो नहीं लेके निकलूंगा इसके साथ इसको, ताकि और कॉन्फिडेंस आए इसके अंदर। बहुत टाइट ड्राइविंग तो बहुत टाइट करी है भाई, नो डाउट। ये है कि मतलब मुझे मजा भी बहुत आया, मैंने ड्राइविंग में इंजॉय भी बहुत ज्यादा करा। ड्राइविंग को इंजॉय करके अगर आप चलाते हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा इजी होता है। जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट करके चलाओगे ना उतना ज्यादा टेंशन होती है, लेकिन जितना ज्यादा इंजॉय करके आप ड्राइविंग करोगे ना तो उतना ज्यादा सही रहता है। तो यह है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और अब हम लोग घर आ चुके हैं, निमरा मुदस्सिर भी आ चुके हैं, हम लोग देखेंगे मूवी थोड़ी सी। आज का ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं, बहुत ज्यादा थकन हो रही है। आज था हमारा ड्राइविंग ब्लॉग, बहुत मजा आया। अब ये कि भाई अकेले निकाल के देखूंगी, मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है अकेले निकालने में तो। लेकिन अभी बोल रहे हैं भाई अब तुम अकेले निकाल सकती हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्राइव कर रही हो, तो अब देखते हैं फिर अकेले कब निकालेंगे हम। तो लेट्स सी। व्लॉग देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करो। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है, व्यूज इतने सारे होते हैं, देखने के लिए लोग इतने सारे आ जाते हैं, देख के ऐसे ही भाग जाते हैं। तो देख के भाई सब्सक्राइब भी करना पड़ता है ताकि मोटिवेशन मिले आगे। तो सब लोग इतने माशाल्लाह इतना ज्यादा हमें व्यू दे रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो लोगों का इतना होता भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मेरे व्यूज बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत ज्यादा यूट्यूब भी सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू। लेकिन जो है मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग हमें सब्सक्राइब भी करें। प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करने। जब तक के लिए बाय बाय।